ऐसा समय इस देश में था जब पूरी राजनीतिक व्यवस्था से आम जनता का विश्वास पूरी तरह उठ चुका था। एक नेता की छवि इस देश में एक भ्रष्टाचारी के रूप में सामने आई। सबके मन में एक ही बात ही थी कि नेता का मतलब होता है भ्रष्टाचार और सरकार बनाने का मतलब होता है देश को और प्रदेश को लूटना। ऐसे निराशा के माहौल में 2013 के करीब एक नेता का उदय इस देश में हुआ। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया और पूरे देश में एक जनभावना उठी कि देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी को हमें देना चाहिए। एक विश्वास सबके मन में था, एक सोच थी, जनता त्रस्त थी, देश त्रस्त था। देश पूरा देश चाहता था भ्रष्टाचार से मुक्ति। एक सबसे बड़ा मुद्दा जिसके ऊपर हमारी सरकार बनी, जो जनता की सोच थी उस समय वो यही थी कि ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो, देश में एक ऐसी सरकार बननी चाहिए। 2014 में विशाल बहुमत से आपने केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई मुझसे हमेशा पूछता है तो मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं कि पिछले 3 वर्ष में इस सरकार के किसी भी मंत्री पे किसी विपक्षी दल की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें उठा के कह सके कि भ्रष्टाचार हुआ है। सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं यही है।